मॉर्निंग क्लास नवमी में चैप्टर 12 जिसका नाम हीरोंस फॉर्मूला, इसका आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स का अध्ययन करें। इसके अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स में आपके परीक्षा उपयोगी आने वाले हैं उसका अध्ययन करें। सबसे पहले आपका क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है a स्क्वायर रूट 3 बाय 4, ये होगा भुजा जो है 6 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे हम 6 का वर्ग, ठीक है, यहां से शुरू करते हैं, a की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का वर्ग हो जाएगा रूट 3 बाय 4, हो गया। अब यहाँ 6 × 6 बाय रूट 3 बाय 4, तो कैसे करेंगे, और कितना आ गया 3 × 3 क्या होगा 9, उत्तर आएगा अपना 9 करनी वर्ग सेंटीमीटर, तो बी उत्तर सही होगा। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार जो है 9 सेंटीमीटर है, तो लंब की लंबाई होगी। फॉर्मूला है इसमें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 आधार गुणा लंब, तो 2 के सॉल्यूशन में जो दिया है पढ़ेंगे, तो आधार दिया है 9 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया है 36 वर्ग सेंटीमीटर। फॉर्मूला उपयोग करेंगे तो आ जाएगा त्रिभुज की क्षेत्रफल के स्थान पर लिखेंगे 36 बराबर 1/2 × आधार दिया है 9, लंब जो है वो याद करना, सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ हो जाएगा 2 × 36/9 = 9, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 होगा, ठीक, तो 4 × 2 कितना हुआ 8, 8 सेंटीमीटर जो है वो लंब, तो सही उत्तर आएगा इसका a बराबर है 8 सेंटीमीटर। तीसरा सवाल हम करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर² एवं ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो आधार होगा, फॉर्मूला है आधार का कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बाय ऊंचाई, ये फॉर्मूला है, रटना अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 96, तो आधार आ जाएगा 96 बाय ऊंचाई कितनी थी 8, ठीक, उसको सॉल्व करना है तो क्या आएगा 12 सेंटीमीटर, 12 डी जो है वो उत्तर सही है। अगला है, एक समचतुर्भुज के कर्ण 10 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला दिया है 1/2 × विकर्णों का, ये फॉर्मूला है गुणनफल, ठीक, तो 1/2 विकर्ण दिए गए हैं, दो विकर्ण कौन से 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल निकालेंगे तो आ जाएगा 1/2, गुणनफल करना है तो 10 × 8 करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो 10 × 4 तो क्या आएगा, गुणा करेंगे तीनों संख्याओं का तो आएगा 40 वर्ग सेंटीमीटर, तो सही उत्तर है बी। फिर सातवां, एक चतुर्भुज का आधार 14 सेंटीमीटर एवं आधार 14 सेंटीमीटर
आधार इनटू ऊंचाई की, तो आधार कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, 1/2 इनटू 14 और ऊंचाई दी है 10 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करना है तो 2 और ये 10 5 बार इसको कैंसिल होगा तो 1 × 14 × 5 ठीक है दिया जाएगा, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है तो सही उत्तर होगा इसका सी 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक होमवर्क दे रही हूँ। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, एक त्रिभुज की भुजाएं 14 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर एवं 9 सेंटीमीटर की है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन अगला, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका एक भुजा 2a है। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुजाकार प्लाट की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है तथा उसका परिमाप 300 मीटर है, इस प्लाट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों आज के लिए इतना ही, आप लोगों को मैंने जो भी सवाल समझाए हैं आधार और ऊंचाई से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित, इसको आप ये वाले जो है होमवर्क करेंगी, अप्लाई करेंगी और फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद करेंगी और प्रैक्टिस करेंगी, नोटबुक में लिखेंगी। ओके।